हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और विद्यापीठ आप सभी के समक्ष आज एक ज्वलंत मुद्दा को लेकर उपस्थित है, जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि पीटी के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है। और यह जो ज्वलंत मुद्दा है, इसको हम लोग मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, ताकि पीटी का क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही और मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन सॉल्व हो, जिसमें कई खास बिंदुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा मुद्दा है, यह है मुख्य तथा अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त तथा कार्यकाल अधिनियम 2023। हम सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में हमारे भारत का निर्वाचन आयोग का जो मुद्दा है, खास करके निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का जो मुद्दा है, यह विवाद का विषय बना हुआ है, जो कई उतार चढ़ाव को देखते हुए एक खास जगह पर पहुंचा है। हो सकता है यहाँ भी बदलाव हो, लेकिन वर्तमान तक जो स्थिति है, इसकी चर्चा आज विद्यापीठ आपके समक्ष करेगा, ताकि आपके सभी प्रकार के प्रश्न मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित बने। हम सभी जानते हैं कि संविधान का अगर कोई भी मुद्दा विवादित होता है, तो सबसे पहले ध्यान देना होता है, या सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना होता है कि संविधान में जब किसी व्यवस्था से संबंधित अस्पष्ट प्रावधान नहीं होते, या अगर होते भी तो उनका सही ढंग से अनुपालन नहीं किया जाता है, तभी यह विवाद का विषय बनता है। वस्तु स्थिति निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में कुछ ऐसे ही है। सबसे पहले देखते हैं कि विवाद का मुद्दा क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, और संविधान का अनुच्छेद 324 में आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान है, वर्तमान में यही प्रावधान विवाद के मुद्दा को जन्म देता है। अनुच्छेद 324 कहता है कि मुख्य तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में हमारे भारत में 1994 से ही हमारे भारत में निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय अर्थात त्रिसदस्यीय संस्था हो चुकी है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावे दो अन्य आयुक्त होते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 324 के प्रावधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और संविधान लिखता है कि यह नियुक्ति विधान के अधीन है, यानी कानून के अधीन है, और आगे लिखता है कि यदि ऐसा कानून मौजूद है। ध्यान दीजिए, यही मुख्य विवाद का मुद्दा है। संविधान लिखता है अनुच्छेद 324 में कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। यह जो नियुक्ति का मामला है, यह विधान अर्थात कानून के अधीन है, यदि ऐसा कानून मौजूद है। अगर नियुक्ति के संदर्भ में कोई कानून बनाया गया है, तो उसी कानून के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अनदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा हमारा संविधान का प्रावधान कहता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति, विधायी शक्ति विधायिका के पास होता है, और केंद्र में विधायिका संसद है, तो निश्चित रूप से इस मुद्दा पर कानून बनाने की शक्ति विधायिका यानी संसद के पास है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक हम लोग के देश में निर्वाचन आयुक्तों के नियुक्ति के संदर्भ में संसद ने कोई विधान नहीं बनाया है, जबकि संविधान कहता है कि यदि ऐसा कोई कानून मौजूद है, यानी ऐसा विधान है, तो लोग अपेक्षा करते हैं।
इस पर संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा और उसी कानून के हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अनदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कानून नहीं बनाया गया है इस पर। तो जब अभी तक कानून नहीं बनाया गया है तो अभी जो प्रावधान है उसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है वो प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है, और निश्चित रूप से जब राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्ति की जाती है चुनाव आयुक्तों की, तो हम लोग जानते हैं कि यह कार्यपालिका अधिकार के अधीन है, क्योंकि राष्ट्रपति भी कार्यपालिका और प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका। तो वर्तमान में चूंकि संसद ने इस पर किसी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं किया, तो यह कार्यपालिका अधिकार के अधीन है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कार्यपालिका अधिकार के अधीन है। यही विवाद का मुद्दा है, और लोगों में शंका यह भी है कि यदि इस पर विधान संसद द्वारा बनाया भी जाता है तो वह निष्पक्ष होगा या नहीं, यह संशय का विषय है। लोग आशंकित हैं इस पर, खास करके संविधान विशेषज्ञ कानूनविद, क्योंकि संसद तो सबको कानून बनाने का अधिकार इस मुद्दे पर है जैसा कि संविधान लिखता है। तो हालांकि संसद ने अभी तक कानून नहीं बनाया है और अभी तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो आलोचकों का कहना है या संविधान विशेषज्ञों का कानूनविदों का मानना है कि अपने अधिकार के अधीन यदि संसद भविष्य में इस पर कानून बनाती भी है तो हो सकता है वह कानून निष्पक्ष नहीं हो। इसी संदर्भ में दूसरा मुद्दा ध्यान देखें, ये विवाद का मुद्दा है, और इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया गया, और इस जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया। ये जनहित याचिका अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ के मामले नाम से जनहित याचिका दायर किया गया, जिसमें मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि चूंकि संसद जब इस पर कानून बनाएगी अपने अधिकार के अधीन तो हो सकता है कि यह कानून निष्पक्ष नहीं हो, तो सर्वोच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करे और अपनी तरफ से सर्वोच्च न्यायालय कानून निर्माण के संदर्भ में कोई दिशा निर्देश जारी करे जो निष्पक्ष हो, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को या न्यायपालिका को कानून के निर्माण का अधिकार तो नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कानून के निर्माण के संदर्भ में संविधान के आलोक में दिशा निर्देश देने का अधिकार है। तो अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया गया और वर्तमान व्यवस्था को चुनौती दी गई। ध्यान रहे कि ऐसा ही एक मामला अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा भी दायर किया गया, तो इन मामले को इस मामला को भी इसी में जोड़ दिया गया, इसी जनहित याचिका में जोड़ दिया गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस संवेदनशील मुद्दा पर सुनवाई आरंभ किया, और सुनवाई करने के पश्चात जनहित याचिका पर सुनवाई करने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवंबर 2022 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। नवंबर 2022 में अनूप बरनवाल और अश्विनी कुमार उपाध्याय के याचिका पर विचार करने के बाद नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक समिति का गठन किया जाए। अब ये समिति त्रिसदस्यीय होगी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात यह निर्णय दिया कि एक समिति का गठन किया जाए जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे और यह समिति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह करेगा जब तक कि संसद इस पर कोई कानून अलग से नहीं बना दे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कानून क्षेत्र 324 के व्यवस्था के अनुसार, प्रावधान के अनुसार संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो चूंकि अभी तक संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है इस पर, तो संसद ने जब तक ये आपके ये फैसला आया था नहीं बनाया है इस पर, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक संसद इस पर कानून नहीं बनाती है तब तक एक समिति का गठन किया जाए जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, जिसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और ये त्रिसदस्यीय जो समिति है इसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी तब तक जब तक कि संसद द्वारा इस पर अलग से अस्थायी कानून न बना दिया जाए। तो यह फैसला नवंबर 2022 में आया। इसके बाद आगे की प्रगति को देखें, जो विवाद का विषय अभी भी बना हुआ है, तो तीसरा मुद्दा है कि वर्तमान व्यवस्था क्या है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में यह निर्णय दे दिया कि एक चयन समिति के सिफारिश के आधार पर मुख्य तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति होगी और जब तक संसद इस पर कानून न बना दे, तो इसी निर्णय के आलोक में संसद ने एक कानून बनाया जिसका नाम है मुख्य तथा अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त तथा कार्यकाल की अवधि। यानी मुख्य तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी, इनकी सेवा शर्त क्या होगी और इनका कार्यकाल, इनके कार्यकाल की अवधि क्या होगी, इससे संबंधित अधिनियम 2023 में बनाया गया संसद द्वारा, जो मौजूदा व्यवस्था को बदलने से संबंधित अधिनियम है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया तो उसी के आलोक में 2023 में संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया जिसे मुख्य तथा अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त तथा कार्यकाल अवधि अधिनियम 2023 कहा गया। और इस अधिनियम की धारा 7 में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयोग आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और इस चयन समिति में भी 3 ही सदस्य होंगे। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिशा निर्देश में कहा कि राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के आधार पर ही आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी जिसमें 3 सदस्य होंगे और संसद ने भी जो अधिनियम बनाया इसमें भी यही कहा गया कि सर्वोच्च राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति की जाएगी यह भी चयन समिति के आधार सिफारिश के आधार पर ही की जाएगी और इसमें भी 3 ही सदस्य होंगे। लेकिन एक बड़ा अंतर यह है कि जहां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था में चयन समिति में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा गया, उस फैसले को बदल दिया गया इसमें, उस निर्णय को बदल दिया गया इसमें। और यहाँ की चयन समिति में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे तथा प्रधानमंत्री द्वारा एक कैबिनेट मंत्री होंगे, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रधानमंत्री होंगे वह वर्तमान संसद के कानून में भी है, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे यह वर्तमान प्रावधान में भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो यह कहा था कि 30 सदस्यीय चयन समिति में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, इसको बदल दिया गया और इसकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित नॉमिनेटेड एक कैबिनेट सचिव, कैबिनेट मंत्री, क्षमा करें, कैबिनेट मंत्री की व्यवस्था की गई। ये एक बड़ा बदलाव है वर्तमान कानून में और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश में। आगे देखें कि
अब ध्यान रखें कि 1991 में एक अधिनियम बना था, कानून बना था, और 1991 का अधिनियम निर्धारित करता था कि चुनाव आयुक्तों का पारिश्रमिक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होगा। कहाँ कहाँ सुप्रीम कोर्ट या पहली व्यवस्था में बदलाव हुआ है उस बिंदु को ध्यान में रखें तो पूरा आंसर परफेक्ट लिखाएगा और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी परफेक्टली बनेंगे। और सबसे ज़्यादा कि मुख्य परीक्षा के उत्तर में तारतम्य बना रहेगा, तथ्यपूर्ण उत्तर आपका होगा। तो 1991 में एक प्रावधान बना हुआ था, अधिनियम बना हुआ था, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों का जो पारिश्रमिक होगा वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होगा। परंतु अभी जो अधिनियम बनाया गया है इसमें कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों का वेतन भत्ता तथा सेवा शर्त कैबिनेट सचिव के बराबर होगा। तो पहला बदलाव यह किया गया कि चयन समिति में से CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके कैबिनेट मंत्री को रखा गया। दूसरा बदलाव यह किया गया कि नवीन प्रावधान के अनुसार अब चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्त या पारिश्रमिक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर न होकर कैबिनेट सचिव के बराबर होगा। तो ये दो मुख्य बिंदु हैं जहाँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था और खास करके पहले बनाए गए अधिनियम से अलग कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद वर्तमान अधिनियम में यह प्रावधान है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सामान्य कार्यकाल 6 वर्ष तथा सेवा काल 65 वर्ष होगा। यह पहले से 1991 के अधिनियम से भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, यह पहले से ही व्यवस्था है जिसको इस अधिनियम में बरकरार रखा गया है। सामान्य कार्यकाल 6 वर्ष और सेवा काल 65 वर्ष। और एक व्यवस्था कि यह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, अर्थात एक बार अगर कार्यकाल से हट गए या सेवा काल से कार्यकाल अगर एक बार इनका खत्म हो गया, इस पद से हट गए तो दोबारा ये नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा मौजूदा कानून में यह व्यवस्था है जो पहले से ही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाएगा। तो मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि वर्तमान जो अधिनियम 2023 का है उसमें दो मुख्य बदलाव देखे जाते हैं। पहला कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए व्यवस्था में एक समिति के गठन की व्यवस्था में बदलाव है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चयन समिति में रखने की बात कही थी और तो नवीन प्रावधान के अनुसार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। तो मौजूदा व्यवस्था और पहले की व्यवस्था में दो बिंदुओं पर अंतर है। पहला कि CJI को चयन समिति से हटा कर को सीधे कैबिनेट सचिव को रखा गया है, और दूसरा कि इनका सेवा शर्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर न रख करके कैबिनेट सचिव के बराबर रखा गया है और चयन समिति में CJI के जगह एक कैबिनेट मंत्री को रखा गया है। तो ये दो मुख्य बदलाव हैं व्यवस्था में। अब है कि जब भी मुख्य का उत्तर लिखते हैं तो कुछ आलोचनात्मक बिंदु पर ध्यान देनी होती है, तो 4 बिंदुओं में हमारा पूरा आंसर लिखा जाएगा। पहला, विवाद का मुद्दा क्या है। दूसरा, जनहित याचिका और इस पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय है। तीसरा, वर्तमान प्रावधान क्या किया गया संसद द्वारा, और कौन कौन सा ये विवाद का या आलोचना का विषय बनता है, कौन कौन सा बिंदु। तो पहला कि कैबिनेट सचिव के समकक्ष, आप समझ सकते हैं अब इसको कैबिनेट सचिव का दर्जा दे दिया गया है क्योंकि इसकी सेवा शर्त और पारिश्रमिक इलेक्शन कमिश्नर का कैबिनेट सचिव के बराबर है। तो कैबिनेट सचिव के बराबर अगर इसको दर्जा दिया गया है तो विवाद का मुद्दा है, क्योंकि इससे पहले निर्वाचन आयुक्तों को राज्य मंत्री का दर्जा हुआ करता था, जबकि अब कैबिनेट सचिव का दर्जा है तो पहले से इनका रैंक घट गया है। दूसरा आलोचना का बिंदु यह है कि चुनाव आयुक्तों को अपने पद क्रम में ऊपर के जो राजनेता हैं, खासकर कैबिनेट मंत्री हैं, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इनसे पद क्रम में सीनियर हो जाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में इनकी परेशानी हो सकती है। तीसरा मुद्दा यह है
कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनको हटाने की प्रक्रिया अभी भी न्यायिक अधिकारी के समान है, जबकि इनका सेवा शर्त नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के समान है, क्योंकि इनको कैबिनेट सचिव का दर्जा दिया गया है। जब ब्यूरोक्रेसी में आते हैं तो ये तारतम्य नहीं बैठता है। एक ही पद में एक प्रावधान न्यायाधीश की प्रक्रिया से, न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है, क्योंकि हटाने की जो प्रक्रिया है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है, है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है। महाभियोग, जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के में न्यायाधीश को भी महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग के बराबर है। तो इनके हटाने की प्रक्रिया न्यायिक अधिकार के अधिकारी के समान है, जबकि सेवा शर्त जो है वह नौकर शाही के समान है, ब्यूरोक्रेसी के समान है। तो एक ही पद में न्यायिक और नौकरशाही, या जिसको कार्यपालिका कहें, दोनों की व्यवस्था को शामिल कर दिया गया है, जो कहीं न कहीं शक्ति के एकीकरण या संविधान के मूल भावना का विरोधी है। इसके बाद आलोचना के एक बिंदु यह भी है कि सीजेआई को जो चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, यह कहीं न कहीं बरनवाल मामले में या पीआईएल पर दिए गए फैसले को उलट देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विधायिका उलट दे, निश्चित रूप से यह विवाद का मुद्दा बनेगा, क्योंकि बरनवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भागीदारी को सुनिश्चित किया था, और वर्तमान में चीफ जस्टिस को हटाकर इसके जगह कैबिनेट मंत्री को रखा गया है। इसके बाद एक आलोचना का बिंदु यह भी है कि कई विद्वान कहते हैं कि इनकी जो नवीन संरचना है, निर्वाचन आयुक्त आयुक्त के नियुक्तों की जो नियुक्ति की जो नवीन संरचना है, जो 2023 के अधिनियम से निर्धारित है, तो नवीन संरचना में अपने नवीन रूप में निर्वाचन आयोग अपने कार्य को करने में निष्पक्ष पूरी तरह से होगा, यह संशय का विषय है, आशंका व्यक्त कर रहे हैं लोग, विद्वान लोग, संविधान विशेषज्ञ, कानूनविद, के वर्तमान रूप में निर्वाचन आयोग कहाँ तक या कितने हद तक अपने कार्य को निष्पक्षता से संपन्न करने में सक्षम होगा, यह आशंका का विषय है, संशय का विषय है। तो हम लोगों ने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा को मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से डिस्कस किया, जो बीपीएससी के सेकंड पेपर के सेक्शन 1 से रिलेटेड करता है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं, और ऑब्जेक्टिव में तो सवाल आपके सब बन ही जाएंगे, और इन चारों बिंदुओं को मिला करके निश्चित रूप से हमारा मुख्य परीक्षा का एक अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा, टू द पॉइंट, जिसमें अच्छे अंक मिलेंगे। तो मेरा विश्वास है कि कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और बीपीएससी विद्यापीठ पुनः इस प्रकार के कंटेंट को लेकर आपके सामने आता रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, उपयोगी लगता हो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। पुनः बीपीएससी विद्यापीठ इसी प्रकार के मुद्दा को लेकर उपस्थित होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।